हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सलोनी का स्वाद। आज हम बना रहे हैं बहुत ही टेस्टी रेसिपी। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या कर रही हूँ इतनी जल्दी जल्दी। कोई नहीं, बताती हूँ। हम बहुत ही टेस्टी क्रीमी पास्ता बनाने वाले हैं, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। आप ना एक बार बनाएंगे ना, बस देख के मुँह में पानी आ रहा है, रहा नहीं जाता है कभी कभी, बट बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाता है और बहुत ही यम्मी टेस्टी बनता है। फ्रेंड्स, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा मेरी रेसिपी के साथ। बहुत आप हमेशा बनाकर खाएंगे इस रेसिपी को। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए बनाना शुरू करते हैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ, जिससे कि पास्ता बहुत ही टेस्टी और यमी बनेगा। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, हो सकता है कोई टिप मिस हो जाए स्किप करने से, तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आप नोटिफिकेशन तभी मिलेगा जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे और अच्छी अच्छी रेसिपी की वीडियोज़ आपको मिल सकें पहले से पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है पानी। मैंने यहाँ पर 2 गिलास पानी लिया है। अगर कप से देखें तो मतलब जितना आप पास्ता लेंगे ना, उसका जस्ट डबल हमें पानी लेना है। और बस इसमें मैंने नमक ऐड किया है। अगर 2 गिलास पानी है तो 1 चम्मच हम नमक डालेंगे। अगर कप से हम ले रहे हैं तो 1 कप पास्ता में 2 कप पानी लेंगे। तो बस यहाँ पर देखिए पानी अच्छे से इसमें बबल्स आ रहे हैं। अब इस स्टेज पर हम इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे और इसे मिक्स कर देंगे अच्छे से। मिक्स करने के बाद हम इसमें पास्ता ऐड करेंगे। तो हमारा पास्ता 5 से 10 मिनट के अंदर पक के अच्छे से प्रॉपर कुक हो जाता है। तो बस यहाँ पे इसी तरह से हमें पास्ता को पका लेना है। आगे का प्रोसेस हम बात करें तो बस आप मेज़रमेंट का ध्यान रखिए, आपका पास्ता बहुत अच्छा बन के तैयार होगा। तो यहाँ पर मैंने 2 कप स्पाइरल पास्ता लिया था और 4 कप पानी लिया, 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच ऑयल। ऑयल हम इसलिए डालते हैं फ्रेंड्स, जिससे कि ना हमारा पास्ता आपस में चिपकता नहीं। आपको पता है ये जब कुक हो जाता है तो स्टिकी हो जाता है, आपस में चिपकते हैं ये। तो अगर आप ऑयल डालेंगे ना तो उससे क्या होगा कि आपस में चिपकेंगे नहीं। और नमक इसलिए डालते हैं क्योंकि पास्ता का अपना कोई फ्लेवर नहीं होता, कोई टेस्ट नहीं होता है। अगर हम नमक नहीं डालेंगे तो अंदर से हमारा पास्ता बिल्कुल फीका लगेगा। तो इस तरह से छोटी छोटी सी जो टिप्स होती है ना, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आपका पास्ता बहुत ही टेस्टी और यमी वाला बनेगा और बिल्कुल खिला हुआ, बिल्कुल नॉन स्टिकी, बिना चिपका हुआ। ये देखिए बात करते करते हमारा पास्ता बिल्कुल कुक हो गया है। और अब हम इसे, आप देख रहे होंगे इसमें पतली सी एक लाइन बन जाती है, बस इतना ही हमें कुक करना है। 80% हमें इसकी कुकिंग करनी है और यहाँ पर हमें तुरंत गैस को बंद कर देना है और इसे स्ट्रेन कर लेना है। तो बस यहाँ पर हम पैन में बटर डाल रहे हैं और इसे अच्छे से मेल्ट होने पर हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच मैदा। हाँ जी, क्योंकि हम वाइट सॉस पास्ता बना रहे हैं तो इसके लिए हमें ये प्रोसेस करना ज़रूरी है। तो हमें मैदा को, इसमें जो हमने मैदा और बटर डाला है ना, बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें इसे मैदा को अच्छे से भून लेना है। अच्छे का मतलब ये नहीं बस कलर चेंज ना हो इसका, और बहुत जल्दी भून जाती है मैदा, बहुत जल्दी काली हो जाती है, इसलिए ध्यान रखें 2 से 3 मिनट लगेंगे। अगर आप बटर अच्छे से डालेंगे तो बहुत जल्दी भून जाएगी। और हम यहाँ पर अब धीरे धीरे मिल्क ऐड कर रहे हैं। धीरे धीरे इसलिए कर रहे हैं जिससे कि इसमें लम्स ना बने। अगर हम सारा मिल्क एक साथ डाल देंगे तो इसमें बहुत जल्दी लम्स बन जाएंगे, गांठें बन जाएंगी, जिन्हें कि थोड़ा सा फिर मुश्किल होता है। बट ऐसा कुछ नहीं है, अगर इन केसेस आपकी वाइट सॉस में लम्स बनते भी हैं तो आप पहले उसे अच्छे से पका लीजिए और फिर उसे थोड़ा ठंडा करके आप मिक्सर ग्राइंडर में उसे एक बार ग्राइंड कर लीजिए, तो उसका बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर हो जाएगा। या इस तरह के जो विस्कर होते हैं आप उससे भी कर सकते हो, तो बहुत आसानी से बन जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो बस ऐसे हमें थोड़ा सा इसके जो लम्स हैं उन्हें डाइल्यूट कर लेना है इसमें। और अब देखिए हमारी जो सॉस का टेक्सचर है वो बहुत अच्छा हो गया है, ना ही ज़्यादा पतली है ना ही ज़्यादा थिक है। तो अब
इस स्टेज पर हम इसमें पास्ता मिक्स हर्ब्स इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पर बस इसमें हम हर्ब डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ मैंने एक चम्मच ली है, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो बस ये देखिए, इस तरह से आप इसमें, अब मैं चिली फ्लेक्स डालूँगी। तो देखिए, टेस्ट का अपना अपना है। आप यहाँ पर आप अपने मन पसंद, अगर आप चाहते हैं जो भी मसाले वो ऐड कर सकते हैं, लाइक एस मैगी मसाला, आप जो भी फ्लेवर देना चाहते हैं। मैं एक रेगुलर वाला, जो रेगुलर टेस्ट होता है ना, वही बना रही हूँ। तो मिक्स हर्ब एक चम्मच, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स। और देखिए, हमारी सॉस बिल्कुल पककर तैयार है। अब यहाँ पर हम पास्ता ऐड करेंगे जो हमने बॉयल करके रखा था। तो फ्रेंड्स, जो हमने मैंने आपको वाइट कलर की जो अंदर में लाइन दिखाई थी ना, वो इसीलिए होती है क्योंकि सॉस में जाकर हमारा पास्ता जो है वो और कुक होता है। तो इसलिए अगर हम पहले ही 100% कुक कर लेंगे तो वो फिर उसका जो ओवर कुक हो जाएगा। तो बस ये देखिए, हमारा पास्ता बनकर तैयार है। थोड़ा सा हम इसे और अभी बॉईल करेंगे, मतलब पकाएंगे। अगर आप फ्रेंड्स इसमें और वेजीज डालना चाहते हैं, जैसे शिमला मिर्च है, प्याज है, टमाटर है, आप जो भी ऐड करना चाहते हैं वो वेजी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और इसे 5 मिनट ढककर पैन को कवर करके आप इसे पका लीजिए। और देखिए, मैंने इसे सर्विंग डिश में निकाल लिया है। हमारा पास्ता बनकर बिल्कुल तैयार है, क्रीमी और टेस्टी वाला। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको भी बहुत टेस्टी लगेगा और वो एकदम खिला खिला बना है। तो रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।